केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना की वह अगले 10 साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाएगी। इसमें करीब 75 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत में 2 से 13 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र सीसीडी कॉप 14 यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन में खराब जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। यहाँ कई देशों के वैज्ञानिक अपने अपने इनोवेशन की प्रदर्शनी करेंगे। बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंस के साथ समझौता भी करेगी। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि हमारी सरकार नई दिल्ली डिक्लेरेशन में बताए गए नियमों और कायदों के अनुसार इस काम को आगे बढ़ाएगी। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। आपको बता दें कि देश में इस समय 1.69 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन है जिसे खेती योग्य बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करे। जो साफ तौर पर कही अखिलेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। अखिलेश जी, जिस प्रकार से जावड़ेकर ने एक बयान दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो बंजर जमीन है उन्हें उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, ये सरकार का इसको आप पॉजिटिव अप्रोच कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे देश की आजादी के तुरंत बाद जो कुछ चीजें थी जिससे सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उसमें हरित क्रांति एक चीज थी। हरित क्रांति में और खासकर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति को बहुत फैलाने पर जोर दिया गया। तो जो हमारी उपजाऊ जमीनें थी, जिन क्षेत्रों में जो परंपरागत कृषि वाले क्षेत्र थे, उनमें इतनी ज्यादा पैदावार की गई और उसमें इतने ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स और इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया कि अब जमीन की उर्वरा शक्ति लगभग क्षीण हो गई है। इन इलाकों में जो भूमिगत जल था उसका स्तर बहुत नीचे चला गया, क्योंकि कृषि में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो अब जरूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि हाँ, कृषि बिना कृषि के देखिए किसी भी देश का या किसी भी समाज का गुजारा नहीं हो सकता। तो कृषि के लिए कुछ अब नए क्षेत्र ढूंढे जाए, नई योजना, नए इस तरह के जिसका विस्तार हो। तो अब भारत वर्ष जो हमारा, भारत में बहुत सारा अभी भी ऐसा बहुत सा क्षेत्रफल हमारे कई प्रदेशों में, जैसे मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बंजर जमीन है जहाँ पे, और लाखों लाख एकड़ की एरिया में बंजर जमीन है जिसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि अगर आने वाले समय में तकनीकी सहयोग लेकर के और भी जो अगर इस तरह के जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसके माध्यम से यदि उन क्षेत्रों को जो उपजाऊ बनाया जा सके और उससे हम अगर कृषि की पैदावार ले सकें तो एक बहुत अच्छा अप्रोच होगा। तो इसके साथ साथ दो चीजें होंगी, एक हम खाली पड़े जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा जो हमारे परंपरागत कृषि क्षेत्र थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था अत्यधिक उत्पादन का, उस दबाव से भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये एक अच्छा अप्रोच कहा जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, अगर ये कहा जाए, क्योंकि जावड़ेकर ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि 10 साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। जी, तो जैसा मैंने बताया जी, हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बंजर जमीनें बहुतायत मात्रा में है, बिल्कुल जिसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। और अभी तक जो सरकारें थी उनका अप्रोच सिर्फ यही था कि जिस एरिया में बंजर जमीन है उस क्षेत्र में हम उद्योग धंधे लगाने की बात करें, क्योंकि उद्योगों के अलावा और उस क्षेत्र में कोई और नया उद्यम स्थापित करने या कोई उस जमीन का इस्तेमाल करने के बारे में ऐसी कोई धारणा नहीं विकसित हुई थी। लेकिन अगर जो आने वाले समय में या पीछे कुछ समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि विश्व में कई देशों में आप देखेंगे वहां पे ये चीजें हुई है कि जहाँ बहुत सारी गैर कृषि योग्य भूमि थी उसमें थोड़े बहुत सुधार करके उसे कृषि योग्य बनाया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भारत के ही लोग, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इस तरह के तमाम देशों में हमारे भारत से ही लोग जाकर के, और सिख बिरादरी के, खासकर सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहां जाकर के खेती कर रहे हैं और उस खेती को एक मुनाफे का धंधा बना रहे हैं। तो अगर ये चीजें बाहर हो सकती हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती, यदि हम अपनी जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकें और उससे हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकें तो ये हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, धन्यवाद अखिलेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर अखिलेश जी का कहना है कि अगर इस फैसले पर अमल किया जाता है तो काफी राहत मिलेगी।
देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।